तो अराउंड 80% बच्चों को टास्क टू में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, आइडिया जनरेशन की। अगर सर आइडिया आ जाए ना, फिर तो मैं सारा ऐसे ही लिख लूं, ऐसा बच्चे बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आइडिया आता ही नहीं है। अगर आता है तो एक्सप्लेन कैसे करें ये नहीं पता चलता। सो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको अनलिमिटेड आइडियाज क्रिएट करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक नहीं दो। ये है फर्स्ट मेथड जो आईडीपी रेकमेंड करता है, और सेकंड मेथड मैं जो नॉर्मल आजकल चलता है वो भी बताऊंगा, वो भी आपकी अच्छे से हेल्प करेगा अगर किसी बच्चे को नहीं पता लेकिन आईडीपी कैसे करता है और दूसरा मेथड क्या है। दोनों के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा मैं, तो आपको बता दूं भी आईडीपी कहता है भी आपको आइडिया क्रिएट करने के लिए दो स्टेप्स में कर सकते हो आप आइडिया क्रिएट, ठीक है? पहला स्टेप वो नॉर्मल बोलता है, आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे आइडिया क्रिएट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भी आपको सोचने हैं बहुत से आइडियाज। आप कहोगे सर वही तो सोचे नहीं जाते, ऐसा नहीं। मान लीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं भी ठंड से बचने के तरीके बताओ, ठंड से बचने के तरीके। जो वर्ड्स भी आपके माइंड में आते हैं, मान लीजिए जो भी मेरे माइंड में आते हैं, स्वेटर, हीटर, ठीक है, ब्लैंकेट, फायर, ठंड से बचने के लिए कुछ भी, लाइक हॉट ड्रिंक, कोई हॉट ड्रिंक हो सकती है, ठीक है, एनीथिंग भी जो भी आपके माइंड में आता है आइडिया से रिलेटेड, वो यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई आपको बोले भी गर्मी से बचने के लिए तरीके बताइए, आप नॉर्मल एसी, कूलर, फैन, ठीक है, लाइक शेडो, शेडो ऑफ ट्रीज, या फिर आप नॉर्मल लिखो ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, लाइम वाटर, नींबू पानी, जो भी माइंड में आता है ऐसे कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लिख दिया, लाइक एनीथिंग जो भी आपको गर्मी से बचा सकता है लिख दिया। अब ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मान लीजिए आपके पास कोई टॉपिक आता है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन ज्यादा बच्चे क्यों चलाते हैं। अब जो भी माइंड में आता है, अपने आप को पर्सनली वहां पे ले जाओ कि मैं मोबाइल फोन क्यों चलाता हूँ। मैं मोबाइल फोन चलाता हूँ यूट्यूब के लिए। यूट्यूब में मैं क्या देखता हूँ, वीडियोज देखता हूँ। वीडियोज मुझे क्या करती है, एंटरटेन करती है, ओके। और मैं मोबाइल चलाता हूँ कॉलिंग के लिए। कॉलिंग क्यों करता हूं, लाइक फॉर टॉकिंग विद माई फ्रेंड, फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस। और मैं मोबाइल चलाता हूँ गेमिंग के लिए, गेम्स, ठीक है, एंटरटेन करती है मुझे। और मैं मोबाइल चलाता हूँ स्टडी के लिए, लाइक इट हेल्प्स मी इन स्टडीज। तो ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं कहता हूं अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में ले जाओ ना, 100% आप एक नहीं दो नहीं दो तीन से ज्यादा आइडियाज खुद क्रिएट कर लोगे। इसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज नहीं होते। अब इसको मैं सेकंड स्टेप में आपको बताऊंगा कि ये मान लीजिए कोई टॉपिक भी आ गया ना, गर्मी में स्वेटर है, स्वेटर भी आपके लिए एक परफेक्ट वर्ड है आपके आइडिया के तौर पे। बात क्या होती है वो मैं आपको सेकंड पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को समझिए। तो ऐसे आपने क्या करना है, चार से पांच से छह आइडियाज आ जाएंगे। आप कहोगे सर आपने तो टॉपिक ही सोखा सा लिया है। मान लीजिए मैं डिफिकल्ट टॉपिक लेता हूँ, कल ही मैं बच्चों को करवा के हटाऊं कि लाइक टॉपिक था भी आजकल लोग वेजिटेरियन डाइट बहुत फॉलो कर रहे हैं। वेजिटेरियन, डू इट्स एडवांटेजेस आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस, मतलब वेजिटेरियन डाइट अगर ले रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा, वेजिटेरियन डाइट के फायदे। अब अपने आप को ले जाओ, हाँ यार मैं तो वेज ही हूँ, मतलब मेरे को क्या लगता है, मुझे ये लगता है वेजिटेरियन डाइट क्या होती है, डाइजेस्ट इजली एज कंपेयर टू नॉन वेज, इट इज हेल्दी। हेल्दी भी होती है, ऑब्वियस ही बात है, वेजिटेरियन डाइट हेल्दी होती है। अगर मैं अपने इंडिया के बारे में सोचूं भी, लाइक कहीं पर भी मिल जाती है इजिली अवेलेबल, लाइक इन इंडिया, बाहरली कंट्री, दूसरी कंट्रीज में कम मिलती है। तो ऐसे जो भी दो तीन आइडियाज आपके माइंड में आए, अपने आप को ले जाओ वेजिटेरियन डाइट के, ये फायदे हो सकते हैं, दैट्स इट। और अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स होंगे अब उसके बारे में सोचो, एक्सप्लेन मैं किसको कर सकता हूँ अच्छे से, किसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो पॉइंट आता है आईडीपी के द्वारा सेकंड स्टेप में।
अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे बहुत से पॉइंट लिख दिए, बहुत से पॉइंट लिख दिए। अब मुझे आना है अपने सेकंड स्टेप में, अकॉर्डिंग टू आईडीपी आईएलटीएस जो है आपकी, विच इज अ इंग्लिश टेस्ट नॉट योर नॉलेज टेस्ट। ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं बच्चे, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। उनको आइडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, उस आइडिया को पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट करके दिखा दो, तो वो कहेंगे हाँ हमने मान लिया कि आपने लिखा है। मान लीजिए कोई बंदा आपको कहता है भी लाइक वेट लूज करने के क्या तरीके हैं, मैंने कहा ईटिंग बनानास मसाज योर स्टमक, मैंने कहा डू स्काई डाइविंग एवरी डे, मैंने तीन तीन तरीके बता दिए। आप कहोगे यार ईटिंग बनाना ये क्यों, एक्सरसाइज क्यों नहीं बोला। आप कहोगे भी यार मसाज करो, आप करोगे स्काई डाइविंग। एक चीज अपने माइंड में फिट कर लो, आईएस बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईडीपी बोल रहा है, उनकी लैंग्वेज लिख रहा हूं। आईडीपी कहती है अभी हमें आपके आइडिया से कोई लेना देना नहीं है, आपने आइडिया कितना ही बढ़िया क्यों ना लिखा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया भी लिख दिया, लेकिन आपको अपने टॉपिक के साथ रिलेट करना नहीं ना आया, वो आइडिया का कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए ये ऐसे आइडियाज हैं जो आपको मतलब शॉकिंग लाइक यार ये कैसे, मैं अब इसको रिलेट करके दिखा सकता हूं भी वेट लूज कैसा होगा। यही चीज आपको सीखनी है। मान लीजिए मैं यहां पे बोलूंगा अभी बनानास में क्या होता है, मैंने कहा अभी ईटिंग बनानास इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट वे टू लूज योर वेट, टू लूज द वेट। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि लाइक कुछ भी लिख सकते हो, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, झूठ मारना सीख जाओ तो भी आप कामयाब हो सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो सच ही बोलूंगा, जैसे भी मोस्ट ऑफ द बनानास, मोस्ट क्या भी जो आपके बनानास है उसमें होता है पोटाशियम। पोटाशियम क्या करता है, आपके जो फैटी टिश्यूज होते हैं उनको वो रिमूव करता है आपकी बॉडी में से, और उनको रिलीज करता है और आपकी फैट को लूज करता है। दूसरा आप बता सकते हो बनानास में सॉल्ट होता है, सॉल्ट भी एक ऐसा तरीका है, सॉल्ट भी आपकी जो फैट है उसको रिमूव करता है। देखो एग्जामिनर को साइंटिफिक रीजन से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपने कनेक्ट कर दिया देन इट विल बी मार्क एज गुड टास्क रिस्पॉन्स, आपको अच्छे मैंड मिलेंगे इसके। ये तरीका है, ये अपने माइंड आपके आई थिंक माइंड समझ लगी होगी आपको, आइडिया से लेना देना नहीं है, कनेक्ट करने से लेना देना है। मैंने ईटिंग बनाना को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो मान लीजिए कोई भी है, कोई बंदा बोले भी आप मोबाइल फोन के सोल्यूशन बता दो, मोबाइल फोन के सोल्यूशन बता दो, आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, कुछ भी। लाइक अगर आपको लगता है अभी लाइक फोर्सिंग भी, आपा नॉर्मल कहते नहीं बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, आप लिख दो यार फोर्स करेंगे तो वो हटेंगे, बस आपको रिलेट करना ना चाहिए। आजकल जो बच्चे हैं वो ऐसे नहीं मानते, ठीक है, उनको फोर्स करना ही पड़ता है। एग्जाम्पल दे दो, मेरे मतलब अंकल ने बच्चे को फोर्सली हटा दिया, वो हट गया। आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, इस बात को आप समझ जाओ, आपकी आइडिया की दिक्कत ही नहीं रहेगी। आइडिया सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको रिलेट कैसे करना है। अब स्टमक को मसाज करने से कैसे वेट लूज होगा, अब आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। कुछ भी बोल दो लाइक स्टमक को जब आप मसाज करते हो सो इट विल रिलीज हीट, तो वो हीट आपकी फैट को लूज करने में हेल्प करेगी, ठीक है। प्लस मसाज करने के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, कुछ भी लाइक इससे कोई ऐसा हार्मोन यहाँ पे लगा दो लाइक आपको रिलैक्स फील होता है, इससे समथिंग लाइक दैट कोई हार्मोन रिलीज होता है, जब वो हार्मोन रिलीज होता है तो वो आपकी बॉडी की फैट को लूज करता है। बस दिस इज द वे, आइडिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हाउ टू कनेक्ट योर आइडिया विद योर टॉपिक। ये चीज आपको आनी चाहिए और ये चीज अपने माइंड में फिट करना, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। झूठ बोलो पर इंग्लिश में झूठ बोलो, और वो झूठ आपका रेलेवेंट होना चाहिए आपके मेन टॉपिक के साथ।
ये चीज आपको बहुत सारे YouTube पे बहुत सारे टीचर्स आपको कहेंगे पढ़ो ये बुक पढ़ो ये वो बुक पढ़ो, यार आइडिया प्रॉब्लम है ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और ये चीज मैं नहीं IDP बोलता है, जस्ट आपको लाइक पढ़ते नहीं है बच्चे यार, एनालाइज नहीं करते, सारा कुछ IDP ने बताया हुआ है। आइडिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रेलेवेंसी, आपके आइडिया को कनेक्ट कर दो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी ने साइंटिफिक प्रूफ नहीं मांगना, बहुत से ऐसे मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से मैंने ऐसे आइडियाज देखे हैं जो लाइक ऐसे लगते थे यार ये कैसे, लेकिन उसको एक्सप्लेन जब किया बच्चे ने तो उसको कनेक्ट कर दिया अपने टॉपिक के साथ, तो आपको टास्क रिस्पॉन्स में मार्क्स मिलेंगे, हाई मार्क्स मिलेंगे। सो आपको ये चीज अपने माइंड में फिट कर लो, आइडिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपको कनेक्ट कैसे करना, कनेक्ट करना आ गया, दैट्स इट। तो ये चीज थी जो IDP बोलता है, और फर्स्ट मेथड था ये, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आइडियाज लाओ, जो जो आइडियाज को कनेक्ट कर सकते हो उसको रख लो। अब मान लीजिए अब आप कहो भी हीटर, हीटर से कैसे, तो आप बताओ उनको हीटर में क्या है, हीट क्या है, एयर को हीट हीट करता हीटर, हीटर का मेन काम क्या है, लाइक वो जो आसपास एनवायरनमेंट में जो कुछ भी इसका है एयर के पार्टिकल्स हैं उनको हीट करता है, और वो हीट के जो पार्टिकल हैं वो आपस में जब टकराते हैं तो टकराने के बाद वो मूव करते हैं, मूव होने से अपनी बॉडी की तरफ आते हैं, तो बॉडी को जब वो पार्टिकल टच करते हैं जो अपनी बॉडी से जो लाइक कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, दूसरे यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं तो हीट मिलती है। दैट्स कनेक्ट करना आना चाहिए भाई, साइंटिफिक रीजन आपको नहीं मांगेंगे, इंग्लिश में ये बता दो भी ये होता है जी हो गया, हॉट ड्रिंक से कैसे अंदर जाता है जब लिक्विड, क्या रिलीज होता है क्या नहीं होता, ऐसे कुछ भी लिख दो, इंग्लिश में होना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। बच्चों को रिलेट करना नहीं आता, आइडिया प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से बच्चों के पास आइडियाज होते हैं रिलेट नहीं करना आता, उसके बैंड नहीं मिलने वाले, गंदे से आइडिया को रिलेट कर दो बैंड मिलेगी, ये है मेन मुद्दा। अब बात करते हैं आपके सेकेंड मेथड की, सेकेंड मेथड आपको नॉर्मली मिल भी जाएगा, कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा, वो आपकी हेल्प कर सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प वो कर सकता है। क्या होता है भी आपके जो टॉपिक होते हैं नॉर्मली इन आइडियाज के अराउंड रिमूव करते हैं, पॉलिटिकल एंगल एक वर्ड है पेस्टल, उसके अराउंड ही मूव करते हैं, आपको यहां से आइडियाज की ना थोड़ी सी लाइक पता चल जाएगा, मैं इसके बारे में सोचूं इसके बारे में सोचूं, ब्लैंक नहीं हो गए। ई से इकोनॉमिक्स, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एथिक्स, या फिर आप एनवायरमेंट के तौर पे भी ले लो इसको, एनवायरमेंटल ले लो ज्यादा बढ़िया है, और एल से लीगल। मान लीजिए अब आपके पास कोई टॉपिक आ गया, फॉर एग्जांपल सेलफोन वाला है, कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा सेलफोन यूज कर रहे हैं, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, ठीक है। अब ये चीज आपको देखना है, सबसे पहले मोबाइल फोन बच्चे यूज कर रहे हैं इसके, इसका क्या फायदे और क्या नुकसान है, पॉलिटिकल एंगल से देखो तो इसमें कोई आपको पॉइंट ज्यादा नहीं मिलेगा, इसको छोड़ दो, मतलब पी आपका यहाँ पे काम नहीं आ रहा। अब इकोनॉमिक्स से देखो, इकोनॉमिक्स में क्या है, पैसे की बात, पैसे की बात, बिजनेस की बात, देश की इकोनॉमी की बात, ठीक है, ट्रेड की बात, बिजनेस की बात होगी, तो आपको ऑब्वियसली पता है अभी इकोनॉमिक लेवल से अगर मैं सोचूं, बच्चे मोबाइल फोन इकोनॉमिक लाइक ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत से बच्चे ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, अपना सक्सेसफुल बिजनेस है, यूट्यूब पे ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है। अब मैं अपने तौर से बताऊं कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ मोबाइल फोन से ही तो कर रहा हूँ ना, तो मेरा इकोनॉमिक लेवल से इसका फायदा हो रहा है मुझे, तो इकोनॉमिकली ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को भी, कल से कल मान लीजिए बहुत अच्छी मेरा चैनल चलता है तो ये मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी बहुत अच्छा कर सकता है, मतलब इससे इकोनॉमिकली फायदा है। यहाँ से आपको आइडिया आ गया भी हाँ इकोनॉमिक के तौर पे एक मुझे आइडिया मिल चुका है। ओके, अब ऐसे क्या होता है सोशल, तो सोसाइटी के तौर पर, सोसाइटी के तौर पर भी फायदा है, यू कैन डू कम्युनिकेशन, आप अपने किसी रिलेटिव से, आप अपने किसी फ्रेंड से जो आपके पास अवेलेबल नहीं है उससे आप सोशली कनेक्ट हो सकते हो, बातें कर सकते हो, टीचर्स के साथ आप सोशली कनेक्ट हो सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, स्टडी के मामले में आपकी हेल्प हो सकती है, तो सोसाइटी के तौर पे भी इसको फायदा है, आपको दो पॉइंट मिलते हैं। टेक्नोलॉजी के तौर पर,
जरूरी नहीं भी फायदा ही फायदा लिखना है। अब आप नुकसान पे आ जाओ, टेक्नोलॉजी के तौर पे नुकसान हो सकता है, मोबाइल फोन के नुकसान हैं, लाइक हेल्थ पे, अब हेल्थ पे टेक्नोलॉजी के तौर पे, और दूसरा ये है भी इन्वायरमेंट पे और लीगल पे, और कहीं किसी भी तौर पे आप नुकसान दो टेक्नोलॉजी के तौर पे, ज्यादा टेक्नोलॉजी आने से, ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से, ज्यादा उस पर बैठे रहने से, हेल्थ को जो बैड जो डिसएडवांटेज है हेल्थ को होती है। और आप कुछ लगा लो, देखो इन्वायरमेंट के तौर पे भी आप लाइक कह सकते हो मोबाइल फोन हेल्प करता है जस्ट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज, फायदा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। लीगली और इलीगली, इलीगली आप यहाँ पे बता सकते हो इसके डिसएडवांटेजेस, इलीगली कैसे, फेक आईडीज, फ्रॉड्स, बहुत सारे बंदे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो रही है ना, बहुत से बंदे फेक आईडीज बना के फ्रॉड करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग से ओटीपी लेकर पैसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है, फेक कॉल्स आ रही हैं, मोबाइल हैक्स हो रहे हैं, वीडियोस लीक हो रही हैं, दैट इज इलीगल, लीगल और इलीगल दोनों में पॉइंट आ चुका है। तो ऐसे ये जो पेस्टल वर्ड है आपकी हेल्प कर सकता है जस्ट टू गेट द आइडियाज। और टॉपिक उठा लेते हैं कोई, और टॉपिक जैसे मैंने 2-3 दिन पहले कराया था, मैं मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज्यादा आजकल खुल रही हैं क्या, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला ही था। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए, पॉलिटिकल एंगल से फायदा है, लाइक मल्टीनेशनल कंपनी मतलब इंटरनेशनल कंपनीज, जब वो आएगी पॉलिटिकली उनको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमी को भी फायदा है, पॉलिटिकल को भी फायदा है। पॉलिटिकली जो देखो मल्टीनेशनल कंपनी का पॉलिटिकली क्या फायदा है, हाँ पॉलिटिकली ये फायदा है, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब है और देश की कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिसके इंटरनेशनली काफी देश में ब्रांड्स हैं, काफी देश में ब्रांचेस हैं, मतलब उन दोनों कंट्रीज की बॉन्डिंग अच्छी होगी, पॉलिटिकली बॉन्डिंग अच्छी होगी, बिजनेस की बॉन्डिंग अच्छी होगी, ट्रेड की बॉन्डिंग अच्छी होगी, उन दोनों की करेंसी जब आएगी तो इकोनॉमिकली देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो ये फायदा है। ऐसे आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। सोशली टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी ऑब्वियस सी बात है, अगर कई बार क्या होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्री की कोई कंपनी इधर आएगी तो टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, उससे आम जनता को फायदा हो सकता है। सोशली फायदा ये हो सकता है, जॉब्स, सोसाइटी को फायदा हो सकता है, जॉब्स क्रिएट करेगी, ठीक है, नेटिव्स को जॉब्स मिलेंगी। अब डिसएडवांटेज के तौर पे देख लो एनवायरमेंट की, तो कई बार क्या होता है ऐसी कंपनीज लाइक वेस्ट जो है अपना रिलीज करती हैं एयर में, वाटर में, लाइक सोयल में, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट खराब होता है। लीगल इलीगल तौर पे भी आप इसके डिसएडवांटेज ये डाल सकते हो, और ये कंपनीज कई बार रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती, कई बार कई बंदों की सैलरीज वगैरह एट ए टाइम नहीं देती। देखो सैलरीज वाला पॉइंट आप लिख सकते हो बट आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, वही बात है आईडीपी वाली, तो आप ऐसे तौर पे इन चीजों को, ये आपकी हेल्प कर सकता है आइडिया जनरेट करने की, ठीक है। अब ये चीजें आपकी 100% हेल्प करेंगी ही करेंगी। देखो ये तो कुछ ट्रेलर हैं, लेकिन जो मेरा अपना बैच मैं स्टार्ट करता हूँ, हर 15 दिन बाद मेरा बैच स्टार्ट होता है, अब नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इन 15 डेज का मैं एक बैच स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 15 डेज फॉर आयल्स, राइटिंग ओनली, फॉर राइटिंग। इन 15 डेज में मैं ऑल टाइप के टास्क 1, ऑल टाइप के टास्क 2, हर एक सिंगल टाइप के खुद लिखूंगा, खुद आपके सामने लिखूंगा, हर एक सिंगल टाइप के टास्क को खुद आपके सामने लिखूंगा, और जो भी लिखूंगा विद आईडीपी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग लिखूंगा, मिसगाइड नहीं करूंगा। अमेजिंग बैच रहता है, पहले वाले बच्चों के फीडबैक्स मैं शेयर कर सकता हूँ, बच्चों ने काफी हेल्प मिली है, ठीक है। हर दिन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिस बच्चे को भी टाइमिंग की प्रॉब्लम होगी उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट रखे जाते हैं, 2 से 3 मॉक टेस्ट होते हैं इन इस क्लासेस में, ओके। और किसी भी बच्चे को ये बैच करने हो ज्वाइन, तो 8168321916 और 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर, ओनली डू व्हाट्सएप मैसेज, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना ब्रदर, कॉल वगैरह पिक नहीं हो सकती, तो आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। इतनी अमेजिंग क्लास रहेगी ना ये 15 दिन की, आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस बच्चे ने भी ये क्लासेस लगा ली मेरी, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ 15 डेज की जो फीस रहेगी वो 1500 है, और टाइमिंग है बैच की 7 PM to 7:50 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग।
ओके, बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। तो आपको जो आइडिया से जनरेशन की प्रॉब्लम है, तीन चीजों का ध्यान रख लें। एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब एक बार अपने आप को सिचुएशन में ले जाओ, यहां पे हो। जैसे एक टॉपिक आता है भी, लाइक फीमेल्स और मेल्स में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, लाइक आर्मी में या कहीं पे भी। अपने आप को वहां पे ले जाओ, मान लीजिए। अब क्यों होती है, अपने आप को वहां पे ले जाओ, वहां भी मान लीजिए आप एज ए मेल एज ए फीमेल दोनों की तरह अपने आप को सोचो और पॉइंट देखो कि अगर मेल है तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फिजिकल देखो, स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं फर्क रहता है मेल और फीमेल में, तो उस तरीके से उनको डिसएडवांटेज होती है। लेकिन अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के तौर पे, माइंडसेट के तौर पर भी लेडीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं आज के टाइम में। ड्राइविंग स्किल्स के तौर पे भी काफी अच्छी हैं, लाइक पायलट के तौर पे आप देख सकते हो, ज्यादातर पायलट लेडीज होती हैं। तो ऐसे अपने आप को उस कंडीशन में ले जाओ। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, आइडिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रेलेवेंसी। आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, आइडिया चाहे कैसा भी हो, कनेक्ट कर दिया, आपको बैंड 100% मिलेगी। और तीसरा, पेस्टल वर्ड का यूज कर कर आप नंबर ऑफ आइडियाज क्रिएट कर सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और लीगल तरीके से अपने आइडियाज को सोचकर। सो, आज की वीडियो ये थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत से बच्चे, हर मतलब काफी हजारों में बच्चे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कुछ ही बच्चे करते हैं। देखो, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे इससे थोड़ा सा और अच्छा फील होता है, अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आएंगे। तो बाकी ये बैच है, किसी को ज्वाइन करना हो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच।